नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। रायगढ़ से आपको सबसे पहले खबर बता दें, जहां पर 5 घंटे में 5,555 बार सूर्य नमस्कार किया गया है। अजय पाटिल ने सूर्य नमस्कार का बनाया है स्टेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बनाने पर अजय पाटिल को किया गया है सम्मानित। 5,555 रुपए और ट्रॉफी देकर किया गया है सम्मानित। तो रिकॉर्ड बनाने पर यहां पर सम्मानित किया गया है। 5,555 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। रायगढ़ में 5 घंटे में 5,555 बार सूर्य नमस्कार किया गया। अजय पाटिल ने सूर्य नमस्कार कर बनाया है स्टेट रिकॉर्ड। स्टेट रिकॉर्ड पर अजय पाटिल को सम्मानित भी किया गया है। तो 5,555 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है अजय पाटिल को, जिन्होंने 5 घंटे में 5,555 बार सूर्य नमस्कार कर स्टेट रिकॉर्ड बना दिया है। तो रिकॉर्ड बनाने पर अजय पाटिल को सम्मानित किया गया है और 5,555 रुपए और साथ ही एक ट्रॉफी देकर भी अजय पाटिल को सम्मानित किया गया है। 5 घंटे में 5,555 बार सूर्य नमस्कार कर अजय पाटिल ने यह स्टेट रिकॉर्ड दर्ज कराया है। तो रिकॉर्ड बनाने पर अजय पाटिल को सम्मानित किया गया है। तो 5 घंटे में 5,555 बार सूर्य नमस्कार किया गया। अजय पाटिल ने सूर्य नमस्कार पर स्टेट रिकॉर्ड बनाया है। स्टेट रिकॉर्ड बनाने पर अजय पाटिल को सम्मानित भी किया गया है। 5,555 रुपए और एक ट्रॉफी देकर अजय पाटिल को सम्मानित किया गया है। 5 घंटे में 5,555 बार सूर्य नमस्कार करके अजय पाटिल ने रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, स्टेट रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके बाद अजय पाटिल को सम्मानित भी किया गया है। 5,555 रुपए और साथ ही एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। वहीं नासिक से दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पर बीच बचाव करने पर पहुंचे शख्स पर हमला कर दिया गया। जानलेवा हमले में एक युवक की भी मौत हो गई है और पुलिस ने मामले में 9 लोगों को दबोच लिया है। हत्या आरोपियों ने परिजनों को जान से मारने की भी धमकी दी है। भद्रकाली पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने मामले में 9 लोगों को दबोचा है। हत्या आरोपियों ने परिजनों को जान से मारने की भी धमकी दी है। भद्रकाली पुलिस स्टेशन में पूरा मामला दर्ज कराया गया है। तो नासिक में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पर बीच बचाव करने पहुंचे शख्स पर हमला किया गया और जानलेवा हमले में एक युवक की मौत भी हो गई है। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को दबोचा है और हत्या आरोपियों ने परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी। तो भद्रकाली पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला है जो दर्ज करा लिया गया है। तो नासिक में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां पर बीच बचाव करने पहुंचे शख्स पर हमला किया गया और इसी घटना के दौरान एक युवक की भी मौत हो गई। हत्या आरोपियों ने परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी थी और भद्रकाली पुलिस स्टेशन में हत्या का पूरा मामला दर्ज किया गया है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। और मुंबई में लोगों का घर लेने का सपना पूरा होने जा रहा है। बता दें कि तालाबंदी और कोरोना के कारण इन घरों की लॉटरी स्थगित कर दी गई थी। अब मुंबई के महाड़ा लॉटरी की घोषणा गुरुवार को की गई है। मुंबई के जोशी मार्ग पर 300 घरों की लॉटरी है। विरार में पुलिस अधिकारियों के घरों की लॉटरी गुरुवार को निकाली गई है। दरअसल गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आहवाट ने ये जानकारी दी है और अब 4500 लोगों का ये घर लेने का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। तो मुंबई में लोगों का ये घर लेने का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। तो मुंबई में लोगों का घर लेने का अब सपना पूरा होने जा रहा है। बता दें कि तालाबंदी और कोरोना के कारण इन घरों की लॉटरी स्थगित कर दी गई थी।
और मुंबई में म्हाडा लॉटरी की घोषणा गुरुवार को की गई। मुंबई के जोशी मार्ग पर 300 घरों की लॉटरी है। विरार में पुलिस अधिकारियों के घरों की लॉटरी गुरुवार को निकाली गई है। दरअसल गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने ये जानकारी दी और अब 7500 लोगों को ये घर मिलने जा रहा है, जिनका घरों का ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो 7500 लोगों का घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा, मुंबई के लोगों को ये घर मिल जाएगा और उनका घर लेने का सपना अब ये पूरा होने जा रहा है। वहीं 16 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन विठल भगवान की शादी माता रुक्मिणी के साथ होनी है। फिलहाल इस शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विठल और रुक्मिणी माता के लिए खास बेंगलुरु से कपड़े मंगवाए गए हैं और बेंगलोर के विठल भक्त सविता चौधरी ने ये कपड़े तैयार किए हैं। आपको बता दें कि हर साल ये शादी समारोह मनाया जाता है। कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए मंदिर प्रशासन ने इस समारोह की का आयोजन किया है। तो फिर 16 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन विठल भगवान की शादी माता रुक्मिणी के साथ होनी है। फिलहाल इस शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विठल रुक्मिणी माता के लिए खास बेंगलुरु से कपड़े भी मंगवाए गए हैं। बेंगलुरु के विठल भक्त सविता चौधरी ने ये कपड़े तैयार किए हैं और आपको साथ ही ये भी बता दें कि हर साल ये शादी समारोह का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए मंदिर प्रशासन ने इस समारोह का आयोजन भी किया है। तो वसंत पंचमी के दिन शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 16 फरवरी को यह आयोजन होगा और विठल भगवान की माता रुक्मिणी के साथ शादी का आयोजन होगा, शादी की जानी है। विठल भगवान की माता रुक्मिणी के साथ होगी शादी और विठल और रुक्मिणी माता के साथ बेंगलुरु से ये कपड़े मंगाए गए हैं, जहां पर वसंत पंचमी के दिन ये शादी समारोह आयोजित किया जाएगा और उसी को लेकर ये कपड़े भी मंगाए गए हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर खासा तैयारियां की गई हैं। और बुलढाणा जिले के मलकापुर में नगर पालिका के उपाध्यक्ष हाजी राशिद खान के जन्मदिन की पार्टी में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जन्मदिन की पार्टी में हाथों में तलवारें लेकर डांस किया गया। पार्टी में डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 5 तलवारों को जब्त भी कर लिया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो जन्मदिन पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तलवारें लहराकर कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं ये लोग। तो कानून का खौफ किए बिना कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाथों में तलवारें लहराई जा रही हैं। जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी और इसी दौरान ये सारे जो लोग हैं ये हाथों में तलवार लिए लहराते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी में हाथों में तलवार लेकर डांस करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष हाजी राशिद खान ने जन्मदिन मनाया था और उसी पार्टी के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उस जन्मदिन कार्यक्रम में लोगों ने 4-5 लोगों ने तलवारें नचाई और उसके बाद में वीडियो वायरल हो गया। उस आधार पे लोगों को वेरीफाई किया, उनका आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5 नंगी तलवारें जब्त कर। का बढ़ते खबरों में आगे, बुलढाणा जिले में हर एक गली और बाजारों में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बुलढाणा तहसील के
देउलघाट गांव में एक आवारा कुत्ते ने चार मासूम बच्चों और कुछ अन्य लोगों को निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया है, जिसमें चार बच्चों को घायल किया गया है और जिससे कि आवारा कुत्तों में स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये आवारा कुत्ते कभी बच्चों पर हमला करते हैं तो कभी राह चलते लोगों पर। हाल ही में बुलढाणा जिले के शेगांव शहर में बाजार और रस्तों पर आवारा कुत्ते ज्यादा होने के कारण रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं सामने आई थी, जिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने आवारा कुत्ते को ही मार दिया था। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक इन आवारा कुत्तों को रोकने और उन्हें नियंत्रण में रखने की मांग नगर निगम से कर रहे हैं। तो बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को भी काट रहे हैं और सड़क के बीच घूमने के कारण एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। नगर निगम से हमारी मांग है कि इसी उपाय योजना तुरंत करें। गलियों में कुत्तों के झुंड के झुंड घूमते रहते हैं, जिनसे हर एक व्यक्ति डरता और बचता हुआ दिखाई देता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ये आवारा कुत्ते गलियों और बाजारों में झुंड के रूप में घूमते रहते हैं, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर वासियों द्वारा नगर निगम से अपील की गई कि वे तुरंत ही इन आवारा कुत्तों से शहरवासियों को बचाए, ताकि इस समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सके। उनका डॉग स्टरलाइजेशन का ऑपरेशन करने वाले हैं। शहर के अंदर जो भी स्ट्रे डॉग्स है उनका फेस वाइज ऑपरेशन करके उनका जो कोई उनका रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो कम करके और उनका जो कोई एग्रेसिवनेस है वो भी कम करने का हमारा इसके अंदर मानस है, और जो भी उनको बीमारी भी है उनका भी ट्रीटमेंट हम उसके अंदर करने वाले हैं। अब ये नगर निगम के हाथ में है कि वो शहरवासियों की गंभीर समस्याओं को जल्द से जल्द हल करके उनके मन की दहशत को कम करे। न्यूज वन इंडिया के लिए संवाददाता राजवर्धन शेगावकर की रिपोर्ट। और वहीं नंदुरबार जिले में नंदुरबार से कल्याण जाने वाली बस और कंटेनर एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। बता दें कि हादसा जहां हुआ वो गांव दूर होने के कारण प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है, तो स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। आपको बता दें कि बस और कंटेनर एक दूसरे से टकरा गए, जिसके कारण 16 यात्री घायल हो गए। और यहाँ पर ये गांव दूर होने के चलते प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं की गई है, तो बस और कंटेनर एक दूसरे से टकराई हैं और हादसे में 16 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इन यात्रियों को बस से बाहर निकाला है, लेकिन प्रशासन इसमें कोई भी मदद गांव की नहीं कर पाया है, क्योंकि जहां ये हादसा हुआ है वहां से गाँव काफी दूर है। कोरोना और बर्ड फ्लू के बाद अब भंडारा जिले में शीतला माता मंदिर इलाके के शास्त्री चौक में ग्लैंडर रोग का संकट मंडराने लगा है। बता दें कि ये रोग घोड़ों में पाया गया है। पशुपालन विभाग की एक जांच से इस बीमारी का खुलासा भी हुआ है। भंडारा जिले प्रशासन ने घुड़सवार जानवरों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। जिले में जो घोड़े है उनके भी सैंपल तपासने के लिए भेजे जा रहे हैं। 13 सैंपल भंडारा में से भेजे गए हैं। जो घोड़े बाधित है उनकी दया मरण के लिए प्रशासन ने आदेश करने के बाद में उनको दया मरण। और वहीं अमरावती में भीषण आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग के सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां, स्थानीय लोगों ने हादसे में कई जान बचाई है। तो आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां जरूर पहुंच गई और स्थानीय लोगों ने हादसे में कई सारी जानें भी बचाई हैं। अमरावती में भीषण आग से 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे में कई लोगों की जान बचाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है, जिसमें 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां
जो मशक्कत में लगी हुई हैं। और हिंगोली जिले के कलमनुरी शहर में सांसद फंड के अंतर्गत 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करते उद्यान बनाया गया है। वो उद्यान पिछले 2-3 सालों से उद्घाटन के प्रतीक्षा में था। लोगों के लिए उद्यान खुला जाए इसीलिए राजनीतिक पार्टियों ने भी आंदोलन किया था, लेकिन नगरपालिका इस मार्ग का लेकर गंभीर नहीं थी और उद्यान की देखरेख भी नहीं कर रही थी। और इसी बीच आज उद्यान में अचानक आग लगने से कई सारी चीजों का नुकसान हुआ और आग लगी या लगाई गई इस पर भी अभी तक शंका बनी हुई है। लेकिन नगर परिषद के मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष और सदस्य इनकी बेपरवाही की वजह से इस गार्डन के दुर्दशा हुई हुई है। इस आग की चौकसी होना जरूरी है और नगराध्याधिकारी इन्होंने इस काम के ऊपर, इस गार्डन के ऊपर न चौकीदार रखा है न सुरक्षा रक्षक रखा है। वह मुख्याधिकारी इनको जवाबदार पकड़कर ये नगर पालिका का जो नुकसान हुआ है उसकी जवाबदारी उनपे तय होनी जरूरी। और वहीं तंदूरबार जिले के तदोला तहसील से गाँव लौटते समय घोड़बाड़ गाँव में एक पास रास्ता खराब होने की वजह से जीप पलट गई और हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बता दें कि गांव की सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई है और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और इसी के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले भी तोरणमाल खड़की के पास सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया था। तो नंदुरबाद में जीप पलटने से बड़ा हादसा हो गया और हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ऐसा पहला मामला नहीं है। पिछले हफ्ते भी ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई थी और गांव की जो सड़क है वो ठीक नहीं होने के कारण गांव की सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके चलते ये दुर्घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना अक्सर करना पड़ता है। तो नंदुरबार में जीप पलटने से यह हादसा हो गया जिसमें 10 लोग घायल हो गए जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और यह पहला हादसा नहीं है, इससे पहले हफ्ते में भी एक दुर्घटना का मामला सामने आया था। और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जालना जिले में लागू किया गया है और इस अभियान के तहत आज जालना में मोढ़े गांव में 4-व्हीलर 3-व्हीलर वाहनों और साथ ही 5 बैलगाड़ियों को रिसेप्शन रेडियम लगाया गया है। रात के समय वाहन दुर्घटना से बचने के लिए ये रिफ्लेक्शन रेडियस लगाया गया है। तो दुर्घटना से बचने के लिए ये रिफ्लेक्शन रेडियस लगाया गया है ताकि रात के समय में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस मुहिम के अंतर्गत आज हमने जहां छोटे ट्रक्स और बड़े ट्रक कंटेनर खड़े रहते हैं इनको रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम आज हमने की गई है। उसी अंतर्गत बैलगाड़ियां जो शहर में चलते हैं उसके पिछले भाग पे भी रिफ्लेक्टर लगाए हैं। कॉलेज के बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी है। इसका उद्देश्य यही है कि अपने जालना शहर में अपघात कम होना चाहिए, लोगों में जागरूकता आना चाहिए, इसीलिए ये पूरी मुहिम शहर वाहतूक शाखा जालना के तरफ से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।